गारंटी स्कीम लाई है, 8,500 रुपए हर महीने आपको देंगे, सालाना 1,00,000 रुपए देंगे। नौजवान खड़े हैं, नौजवानों को हम स्नातक पास को 1,00,000 रुपए सालाना का अप्रेंटिसशिप देंगे। 30 लाख रोजगार खाली पड़े हैं। मोदी जी दस सालों से आपको यहाँ पे इवेंट बाजी दिखा रहे हैं, लेकिन वो 30 लाख पद नहीं भर पाए। इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, मैं पहले कह रही थी, इनके जो नेता हैं कहते हैं कि अरे वाह मोदी जी जैसा कोई नहीं है, सिर्फ चुटकी बजाएंगे सारे जंग बंद हो जाएंगे दुनिया में। वाह, तो चुटकी बजाएं, रोजगार दें, चुटकी बजाएं, महंगाई कम करें, चुटकी बजाएं, नया अस्पताल दें कि बना के दें आपको, संस्थाएं बनाएं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सारे कांग्रेस के जितने भी नेता रहे प्रधानमंत्री उन्होंने बनाए, IIT, IIM, एम्स, ये सब किसने बनाया? ये चुटकी बजाते रहे और आप खाई में रहे और खड़े रहे, आप संघर्ष करते रहे, आप गरीबी में धंसे रहे, आपको मदद करने के लिए नहीं आए। ये बात समझ लीजिए भाई और बहनों, आपके दिलों में इस देश के लिए कुछ प्रेम होगा कि आप अपने बच्चों को सरहद पे भेजते हैं, एक भावना होगी देशभक्ति की, नौटंकी की नहीं जो आपके सामने ये लोग दिखाते हैं, नौटंकी की नहीं, असली देशभक्ति की भावना। मैं ज्यादा इन चीजों के बारे में बात नहीं करती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी, मेरे दिल में ये भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना, मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में, मैं नाराज थी। मैं समझती हूँ शहादत की का क्या मतलब है, जैसे आज मैं 52 साल की हूँ, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है, लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है मैं कैसे समझाऊं? जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी माँ से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल, तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने अपने बेटे भेजे हैं सरहद पे, जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए तो मैं जानती हूँ कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो पुलवामा के शहीद हैं, जब वो हुआ पुलवामा का हुआ, उनमें से कुछ परिवार यूपी के थे, उस समय मैं यूपी में थी, मैं गई उनके घर, और ज्यादातर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे, जो बच्चे बचे थे उन्होंने कहा दीदी हमको भी सेना में भर्ती होना है। एक लड़की थी, उसका भाई एयरफोर्स में था, उसने कहा दीदी मैं पायलट बनूंगी, मैं एयरफोर्स में भर्ती होंगी। यही है शहादत की भावना, ये भावना मोदी जी नहीं समझ सकते। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं आपको ये कहने आई हूं कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डाले, मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में वो जाता है कचहरी, जाएगा कुछ भी कर ले, मार डाले, लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। और क्योंकि हमारे दिल में ये भावना है, इसीलिए आज आपके सामने खड़े होकर मैं आपसे एक आग्रह करने आई हूं, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपसे आग्रह करने आई हूं कि देश की जनता हो,
देश की जनता हो, सर्वोपरि हो, जागरूक हो जाओ। जो टीवी पे दिख रहा है, जो रोज रोज सिखाया जा रहा है, जो रोज रोज दिखाया जा रहा है, जो प्रचार किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं, वो सच्चाई नहीं है। तुम्हारा जीवन सच्चाई है। तुम जो लाल शर्ट पहन के वहां बैठे हो, तुम्हारा जीवन सच्चाई है। जो तुम पीली शर्ट पहन के वहां बैठे हो, मेरी बहन जो नीली साड़ी पहनी है, तुम्हारा जीवन सच्चाई है। सच्चाई वो है जो तुम जी रहे हो। सच्चाई महंगाई है, सच्चाई बेरोजगारी है, सच्चाई एक सरकार है जिसके हित में इस देश का गरीब नहीं रहा। इस सच्चाई को पहचानो। ये देश किस दिशा में जा रहा है, इस देश के नेता कितने निकम्मे बन गए हैं कि जब आपके सामने आते हैं 10 सालों के राज के बाद आपको एक चीज नहीं गिनाते जो इन्होंने आपके लिए की। आपको सिर्फ धर्म की बात बताते हैं, वो बात जिससे आपके जज्बात उभरे, जिससे आपको लगे कि मेरे धर्म पे कुछ आंच आने वाली है, जिससे आपको लगे कि कोई मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके जरिए आपका वोट लेते हैं और सत्ता में रहते हैं। पहचानिए इनको, इनकी सच्चाई को पहचानिए। हम सब धार्मिक हैं। इस देश में कोई ऐसा नहीं है जो धार्मिक नहीं है। इंदिरा जी ने मुझे सिखाया पूजा करना। पूजा का कमरा था उनके कमरे के पास, रोज सुबह बैठती थी। इंदिरा जी ने सिखाया। राजीव जी के साथ में मंदिर जाती थी। मेरी माँ जो यहाँ आई विदेश से, यहाँ की परंपराएं सीखी, उन्होंने मुझे सिखाया। धर्म क्या होता है? हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म सत्य है। ये देश, इस देश का आधार सत्यमेव जयते है। हम जान देते हैं, हम सरहद पे जाते हैं तो सत्यमेव जयते नाम मुंह में लेकर, हम ये लफ्ज मुंह में लेकर जाते हैं, दिल में लेकर जाते हैं। और ये लोग आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब जब चुनाव आता है इनकी बातें सुनिए। कभी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र चुराने वाली है। कभी कहते हैं कि एक्सरे लेकर, एक्सरे मशीन, मोदी जी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, मैंने टीवी यूं घुमाया कि हो सकता है कुछ गलती है। आपको कहते हैं कि एक्सरे मशीन लेके कांग्रेस पार्टी आपके घरों में घुस के आपके मंगलसूत्र, आपका सोना, आपकी संपत्ति ले जाएंगे। ऐसी फिजूल की बात आपने सुनी है? 55 सालों के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार चली इस देश में। कभी किसी ने आपके मंगलसूत्र चोरी किए? कभी किसी ने आपके घर में घुस के आपका सोना चोरी किया? इंदिरा जी ने अपना सोना दिया देश के लिए जब जंग थी। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान है। कोई कांग्रेस पार्टी आपका कुछ छीनने वाली नहीं है। इंदिरा जी ने पट्टे दिलवाए गरीबों को, इन्होंने ये सिलसिला बंद किया पट्टे दिलवाने का। जमीन छीन के बड़े बड़े खरबपतियों को दी। अभी मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा से आई हूँ, वहां कोयले का खदान था, जमीन थी गरीबों की, जमीन भी ली, खदान भी लिया, दे दिया खरबपति मित्रों को। आज रोजगार नहीं मिल रहा है वहां पे लोगों को। और ये कहते हैं कि हम आके आपकी चोरी करेंगे। समझ लीजिए कि क्या हो रहा है देश में। आज तो उन्होंने इससे भी बड़ी बात कह दी। सुनिए, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पद की गरिमा है, एक गंभीरता है। उस पद पे ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे हैं जो शहीद हुए देश के लिए, जो आपके सामने आकर इधर उधर की उल्टी सीधी बातें नहीं करते थे। और ये प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी, आज इस देश की जनता के सामने आकर कहते हैं, आज ही की बात है, कि सावधान रहो, अगर तुम्हारे पास 2 भैंस हैं तो कांग्रेस पार्टी आके 1 भैंस चुरा देगी। बताओ, मैं चुनौती देती हूँ मोदी जी को, ये जो आवारा पशु की समस्या इन्होंने बना रखी है ना पूरे यूपी में, मध्य प्रदेश में, 1-2 भैंस इकट्ठी करके गौशाला में रख लें, बंद करवाएं ये सब जो आवारा पशु की समस्या है आपकी, गौशालाएं बनाएं, गौशालाओं को मजबूत बनाएं, जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने किया। मालूम है आपको, कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में ऐसी गौशालाएं बनाए जिसमें से महिलाओं को आमदनी मिल रही थी, गोबर खरीद रही थी सरकार, ताकि उन जानवरों की भी देखभाल अच्छी तरह से हो और आपको भी समस्या ना हो। बात यह है
कि जब नियत ठीक होती है तो नीति भी ठीक होती है, जब नियत गलत होती है तो नीतियां भी गलत होती हैं। आज नीतियां इस आधार पे नहीं बन रही हैं कि आज का आम आदमी, इस देश का साधारण व्यक्ति कैसे जी रहा है, क्या संघर्ष कर रहा है। आज सरकार की नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। अब मैंने खूब लंबी बातें कर ली, आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, मैं देख रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई थी कि जागरूक बनो, गहराई से इन बातों को समझो। जो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है उसको पहचानो, जिसने सालों के लिए, दशकों के लिए, पीढ़ियों के लिए आपके लिए काम किया, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलता है ये कहने के लिए कि ये देश एक है, जनता को बताने के लिए कि हम सब एक परिवार है, हम सब भाई बहन हैं, उसको पहचानो और अपनी सच्चाई, अपनी असलियत को पहचान के ये जो कीमती वोट है जो संविधान ने आपको दिया है, इसको आप एकदम विवेक से इस्तेमाल करो। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी नेता के लिए अपना वोट दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे लिए अपना वोट दो, कि कांग्रेस पार्टी को ही जाना चाहिए। मैं कह रही हूँ अपने विवेक का इस्तेमाल करो, पहचानो असलियत को। और ये जो वोट है ना, ये अपने अधिकारों को मजबूत करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, इस देश के भविष्य को बुलंद बनाने के लिए डालो, इस देश के संविधान को बचाने के लिए डालो, इस देश के अधिकार, आपके आरक्षण को बचाने के लिए डालो। ये आपका वोट बहुत कीमती है, इसको हल्के में मत लेना।